बुधवार की शाम थी सिर्फ नागपुर के नाम। 22 जनवरी से शुरू हुए नागपुर महोत्सव का भव्य उद्घाटन करने स्वयं महाराष्ट्र की स्वराशा आशा भोसले जी नागपुर पधारी। उनका स्वागत करने के लिए इस इवेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकारों की भव्य संख्या ने ही उन्हें एक सुनहरी भेंट दे दी। आशा जी से कई दिलचस्प सवाल पूछे गए और उन्होंने उनके उतने ही नहीं उससे कई ज्यादा दिलचस्प जवाब दिए। आइए इन पलों पर एक झलक डाली जाए। ज्यादा अच्छा या पुराना संगीत का जो माधुर्य है वो नए संगीत में नहीं, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको बताती हूँ, मैं हर वक्त में कदम कदम से कदम मिलाते वक्त के साथ चली हूँ। क्यों? कि मैंने देखा कि जो गजल गाते हैं, गजल का जमाना चला जाता है, गजलें बंद हो जाती हैं। जो डांस के गाते हैं, डांस नहीं हुआ तो बंद हो जाते हैं, सैड सॉन्ग बंद हो जाते हैं। तो मैंने अपने आप को हमेशा वेस्टर्न, इंडियन क्लासिकल हर चीज़ से पैर जमा के मैं चलती रही हूँ। ये रहा मेरा लाइफ को देखने का तरीका कि मैं मेरे दादी के साथ जितने एक रूप थी उतनी ही अपने पोतों के साथ होती हूँ। 5 आदमी ने अपने घर में पार्टी रखी, 50 औरतें और 50 आदमी बैठे ना मियाँ बीवी रात को, तो उनको आप कहेंगे कि भाभी गाना सुनाइए, तो वो क्या गाना सुनाएगी? मुन्ने बजना हुई गाएगी या शोभा की जवानी, क्या गाएगी बताइए? तो उनको पुराने ही गाने में जाना पड़ेगा, चलो सजना जहाँ तक घटा चले या आजा रे परदेसी बाहों में चले आओ, कुछ ऐसे ही गाने गाएंगी वो। इसका मतलब बोल, ट्यून और गाने वाले की आवाज़ ये काम बहुत करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि गाने अच्छे होते हैं, कोई गाने अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी गाने खराब होते हैं, कोई गाने अच्छे होते हैं। कोई पाकिस्तान से आए थे लोग, बड़ा अच्छा गा के गए, फतेह अली बहुत अच्छे गाने गा के गए, और शान का गाना जैसे उसने गाया था जब से तेरे नैना में, ऐसे अच्छे अच्छे गाने 2-4 आए। लेकिन हमारे उस ज़माने में ये था कि एक पिक्चर का गाना, एक पिक्चर के गाने, सारे गाने चलते थे, 12 गाने चल रहे हैं, आज़ाद के 12 गाने चले थे, बैजू बावरा के चले, मतलब सारे गाने चलते थे। आज एक आध दूसरा गाना आता है। तुम्हारा एकल मिले तो मैं सांगा क्या बात। युवा पीढ़ी के गायक है हनी सिंह, उन पर अश्लीलता फैलाने के आरोप भी लगते हैं। आप इस क्षेत्र में अधिकारी हो, आप क्या राय रखते हैं उनके बारे में? मैंने कहा ना, जैसे मांग वैसे देते हैं लोग, लोग सुनते क्यों ऐसे गाने? अगर मेरे सामने कोई गाना लगाएगा तो मैं उठ के चली जाती हूँ। मुझे जो पसंद नहीं, हलकट जवानी जब गाना शुरू होता है मैं उठ के चली जाती हूँ। क्यों? गाली का गाना है, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती सब सुने, मैं नहीं चाहती हूँ। तो ऐसा होना चाहिए, उस चीज़ को आप बोलना, आपने बोलना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं चाहिए। और जब आप बोलेंगे नहीं तो वो सोचते लोगों को अच्छा लगता है तो और करो। मैं बताती हूँ आपको, गाने की जो आत्मा होते हैं ना, एक आदमी का आत्मा होती तो जिंदा होता है ना, वो आत्मा हमारी म्यूजिक से चली गई है। आज एक बोल हम गाते हैं, दूसरा बोल उसको पेस्ट करते हैं। जैसे तुम कहाँ, इतना मैंने बोल दिया, इसके बाद मैं यहाँ, ये जो होता है एक साथ ये होता ही नहीं है। तो गाते गाते वर्डिंग छोड़ दिया हमने, उतना वर्डिंग भी वो लगा देते हैं। तो उसमें आत्मा कहाँ रही है? आत्मा होता है एक लाइन में आप सारा गाना गा दो तब उसमें फोर्स, इसका क्लाइमैक्स सब जमता है। आवाज़ को चेंज करते हैं, कभी मशीन में डालते हैं, कभी सुर बेसुरा कम करके बेसुरे को सुर में ला देते हैं, बेताले को ताल में ला देते हैं मशीन से। तो गाना कहाँ रहा? और आजकल सिंगर्स का अटेंशन स्पैन भी धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, इसका क्या रीजन बोल सकते हैं? लोगों को पता लगता है कि भाई इतना हो सकता है तो ज्यादा
मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, चार रिहर्सल करके गाना याद करके गाना और वहां जाके एक एक लाइन करके गाना, इसमें बहुत फर्क होता है।